तो नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। होप दैट यू गाइस आर डूइंग रियली फंटास्टिक। आज का वीडियो थोड़ा सा मज़ेदार तो होने ही वाला है। इसमें हमने ये किया है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो मेकिंग द ट्यूटोरियल, एक नॉन सिंगर से गवाया है, अपना ही मेरा ही लिखा हुआ गाना है। इसका थोड़े से दो अंतरे ऐसे ही गवाए हैं एंड हम टेस्ट आउट करेंगे कि यू नो मेलोडाइन से इसको किस हद तक ठीक किया जाता है, खासकर मेलोडाइन एसेंशियल से, जो कि आप कह सकते हो अफोर्डेबल है, या तो एक तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इधर उधर कहीं ना कहीं से फ्री में ही मिल जाता है, वो किसी हार्डवेयर के साथ या किसी सॉफ्टवेयर बंडल के साथ कुछ ना कुछ तरीके से। तो उसको इस तरीके से ट्राई करेंगे। ये जो वोकल्स है, दीज आर रियली ग्रेट कंटेंडर की जो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई भी पिच करेक्शन प्लगइन, जो रियल टाइम पिच करेक्शन प्लगइन होता है या ऑटो ट्यून टाइप का, उससे ठीक नहीं हो सकता। चलिए लेट्स हैव अ लिसन टू द वोकल्स विदाउट एनी पिच करेक्शन और एनीथिंग लाइक दैट। चले आओ कि अब तुम बिन गुजारा होता नहीं, चले आओ के अब तुम बिन गुजारा होता नहीं, चले आओ के अब गम से किनारा होता नहीं, चले। एंड यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट ओनली कि यार आपने रिवर्ब, EQ, कंप्रेशन, ये सब कुछ ठीक से किया है कि नहीं किया है, जो कि आप इधर उधर से बहुत सारे मिक्सिंग ट्यूटोरियल देख करके ट्राई आउट करते रहे। तो आपने कितना सुर में गाया है या सुर में गाने के बाद कोशिश करी है एंड देन ट्वीक किया है थोड़ा बहुत, वो काफ़ी मैटर करता है। मान लो कि हम यू नो पिच करेक्टर लगा लेते हैं लॉजिक का, या वेव्स का ट्यून लगा लेते हैं, या ऑटो ट्यून लगा लेते हैं फॉर दैट मैटर। हमें पता है कि हमारा गाना एफ मेजर में है और इस तरीके से बज रहा है। बहुत सिंपल सी सेटिंग है जो नॉर्मली आप करते हो, आपने वो कर लिया है। बट यू विल सी कि इवन आफ्टर ये लगाने के बाद और भी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि जो नोट बहुत ज्यादा इधर उधर गए हुए हैं वो और भी विगल करने लगेंगे। चले आओ कि अब तुम बिन गुजारा होता नहीं, चले आओ कि अब तुम बिन गुजारा होता नहीं, चले आओ कि अब गम से किनारा होता नहीं, चले। तो ये कहीं भी लेके चला जा रहा है भगवान भरोसे, से समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ लेके जाना है। ऑब्वियस सी बात है ना, पिच में इधर उधर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो उसे नहीं समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे काम में आता है मेलोडाइन। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे सेलिमनी, और मेलोडाइन के दो वर्जन आते हैं। अगर आप लॉजिक में AU यूज़ कर रहे हो तो आपको इस तरीके से दिखेगा, मेलोडाइन ऐसा वाला या मेलोडाइन ARA। ARA ऑडियो रैंडम एक्सेस, जिससे कि वो अपने आप ही यू नो आपको सारा का सारा उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, अपने आप उसे एक्सेस कर लेता है। अगर नॉर्मल वाला करते हो तो यू नो आपको इसको करने के बाद में यू हैव टू ट्रांसफर दिस थिंग एंड देन प्ले इट। चले आओ, जितना आप प्ले करोगे वो सारा नोट वो डिटेक्ट कर देगा, फिर यहाँ से वो बजेगा और जो भी आप यहाँ चेंजेस करोगे वो अप्लाई होगा। बट लेट्स गो टू द ARA वाला वर्जन, सेलिमनी ARA। अब अगर आप किसी ऐसे DAW में हो लाइक जो VSTi सपोर्ट करता है, लाइक फॉर इंस्टेंस लाइक Reaper, Cubase, समथिंग ऐसा कुछ भी, वहाँ पे आपको VST3 वाला जो प्लगइन है वो अप्लाई करना है। क्योंकि मैं इससे पहले थोड़ा Reaper पे ही एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा था, चीज़ों को ट्राई आउट कर रहा था, तो आई फिगर्ड इट आउट कि उसमें ARA करके अलग से नहीं लिखा हुआ आ रहा था कुछ। उसमें अगर आप VST3 वाला वर्जन यूज़ करते हो तो दैट वर्क्स लाइक ARA, अपने आप ही वो सारा रिकॉर्ड कर लेता है, जैसे आप प्लगइन पे ले लेते हो। इवन फॉर लाइक अगर Presonus का स्टूडियो वन आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी VSTi सपोर्ट करता है, और अगर आप नॉर्मल VSTi वाला लगा रहे हो तो आपको ट्रांसफर वाला बटन दिखेगा, यू हैव टू ट्रांसफर इट। मेलोडाइन एसेंशियल में बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बट बेसिक जो चीजें हैं वो अगर आप समझ लो तो मोस्ट ऑफ द वर्क कैन बी डन। अब अगर आप लॉजिक में हो तो यू माइट एक्चुअली वॉन्ट टू यूज जो लॉजिक का फ्लेक्स पिच है, क्योंकि यू नो फ्लेक्स पिच में और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि यू नो लाइक आई माइट गेट सम बेटर रिजल्ट यूजिंग मेलोडाइन और समथिंग लाइक दैट, या एक टूल और सीख लेने में कोई हर्ज तो नहीं। और आप अगर लॉजिक में नहीं हो, किसी और डो में हो, तो आपके लिए तो ये क्रूशियल हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि मेलोडाइन कैसे करना है। तो हमने बस इसे लगा दिया मेलोडाइन को अपने इस ट्रैक के ऊपर। लेट्स प्ले। चले।
आप देख रहे हो सारा का सारा जो ट्रैक जहाँ जहाँ पे जो है वो सारे नोट्स इसने कैप्चर कर लिए। सिमिलरली जो दूसरा ट्रैक है उसके ऊपर भी हम ये लगाते हैं, जैसे ही हमने ओके, इवन वो फ्रेज प्ले भी नहीं हुआ बट इट जस्ट शोड अप रियल टाइम में, ये आ गया। अब थोड़ा सा ये समझना है कि क्या क्या टूल्स हैं और उससे आप क्या क्या कर सकते हो। ये देख रहे हो एक दो ब्लॉब्स हैं, एक ब्लॉब सा है, ये कुछ सेटिंग वाली सी है, फिर ये सेटिंग वाले में जाते हो तो आपको तीन टूल मिल जाता है, ये एंड प्लस माइनस एंड ये टाइम हैंडल्स को एडजस्ट करने वाला एंड सो मैनी थिंग्स। हम यहीं पर स्टिक करते हैं, सिंपल को और थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। मोस्टली आपका काम ऐसे करके हो जाए, यू स्टिक देयर ट्रैक मोड, आपने इसको ये मेन वाला जो टूल है इस पे हो, हैंड टूल से आप बेसिकली मूव कर सकते हो इधर उधर, उसके लिए आपको काम में आएगा ये। और ये जूम वाला टूल है आपका, मैं मोस्टली अगर आप कमांड और ऑल्ट या ऑप्शन का जो की है उसे प्रेस करेंगे तो यू कैन जस्ट जूम इन, तो उससे आपका काम हो जाता है इस तरीके से, तो इतना ज़्यादा यू नीड नॉट वरी। थोड़े थोड़ा सा की कमांड आपको समझ में आ जाएगा, मस्त हो जाएगा आपका लाइफ। आप ये क्लिप को अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आप इसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, इधर उधर लेके जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ऊपर रखते हो तो ये देखो एक स्प्लिट जैसा होता है, तो आप नोट्स को स्प्लिट भी कर सकते हो इन दैट केस। एंड अगर आपने कोई भी चेंजेस करे हैं उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे अंडू चेंजेस भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ये एक बहुत मज़ेदार बटन है, अगर आपने ये जैसे ये नोट सिलेक्ट किया हुआ है तो इस नोट को आप चाहो तो एकदम पिच सेंटर पे लेके आओ, इसका यू सी जो कर्व है उसे सीधा कर दो, ये सारी चीज़ें आप ऐसा कर दो। अगर आपने कोई भी नोट नहीं सिलेक्ट किया हुआ है फॉर दैट मैटर, कुछ नहीं सिलेक्ट किया है आपने, तो इसका मतलब ये है कि आपने सब कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे वो किया तो एंड देन यू कैन सी कि जैसे हम इसे बढ़ाएंगे तो सबको वो एडजस्ट करता है सारी चीज़ों को, एंड यू सी पिच सेंटर्स एंड एवरीथिंग। अब हम इसे रखते हैं ऐसे ही, अगर हम किसी नोट पे हैं अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखते हो उसे वो पिच सेंटर पे लेके चला जाता है, दिस इज वन थिंग। थोड़ा थोड़ा सुनते हुए करते हैं कि कहाँ पे क्या करेंगे तो सहूलियत। चले यहाँ आते, चले आ, चले आओ कि अब तुम बिन गुजारा। ओके, इनको जरा सा पकड़ते हैं एंड लेट्स से थोड़ा थोड़ा करके ट्वीक करेंगे, इकट्ठे करने जाओगे तो थोड़ा लोचा हो जाएगा, ठीक है। पिच सेंटर थोड़ा टाइट करते हैं, चले आओ, चले आओ, चले ले, चले आओ, चले आओ कि अब तो ये जरा इधर होना चाहिए, चले आओ। You see, simple as that, आ ऊपर जा रहा है, चले आओ, चले आओ कि चले आ, ले 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 ले, चले आ, ले चले आ, ले चले आ, ले चले आओ कि अब तुम, चले आओ कि अब, चले आओ कि अब तुम बिन तुम चले आओ कि अब तुम बिन गुजारा, चले आओ कि अब तुम बिन गुजारा, को तुम बिन गुजारा, को तुम बिन गुजारा, तुम बिन गुजारा, तुम बिन गुजारा, चले होता नहीं, ठीक है। इसको पकड़ते हैं जरा, इसको बोलते हैं थोड़ा पिच सेंटर भी टाइट कर दियो भैया, होता नहीं। ओके, इसका करते हैं जरा अंडू ऑल चेंजेस
देन पकड़ते हैं एंड अब क्या ये काम करता है? यस दिस वर्क्स, नाउ दिस वर्क्स। होता नहीं चले, मच बेटर राइट। तो इस तरीके से इसको ट्वीक करना है। अगला नहीं चले आओ, मे बी हमें पिच सेंटर इतना टाइट करने की जरूरत नहीं थी इसमें। लेट्स अंडू दिस। नहीं चले आओ, नहीं चले आओ के अब के, नहीं चले आओ के अब तुम अब, नहीं चले आओ के अब तुम बिन गुजारा। ओके के अब तुम बिन गुजारा, बिन के अब तुम बिन तुम बिन गुजारा, हो तुम बिन गुजारा होता नहीं, नहीं तुम बिन गुजारा होता नहीं। डन, फिर से पकड़ते हैं इसे, पिच सेंटर टाइट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसी की बस ये तीन चार छोटे से टूल्स हैं इसके अंदर में, उसी को इस्तेमाल करके हमने इस फ्रेज को मतलब कहां से कहां पहुंचा दी। चले आओ के अब तुम बिन गुजारा, I like this, see? गुजारा बिन गुजारा होता नहीं, चले आओ के अब के नहीं, चले आओ के अब तुम के, चले आओ के अब तुम के, आओ के अब तुम के, आओ के अब तुम के, आओ के अब तुम। ठीक है, थोड़ा पीछे सुनते हैं। होता नहीं चले आओ के अब तुम बिन गुजारा, होता नहीं। इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज्यादा टू मच करना है, बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, है ना। मतलब आप इस वोकल में देख पा रहे हो, और अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक गा लेते तो फिर तो कोई माशाल्लाह बिल्कुल ही, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि आपने टचअप किया है उस चीज़ को। एंड सी, दो बातें मैं क्लियर कर देना चाहूँ, इट्स नॉट लाइक कि ऑटो ट्यून या मेलोडाइन, बिकॉज बोथ हैव देयर ओन स्पेसेस एंड समटाइम्स यू हैव टू यूज देम इन कंजंक्शन ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले जल्दी से, यू नो, आर्टिफैक्ट्स ना सुनाई दे। दूसरी बात, यूजिंग पिच करेक्शन इज मैंडेटरी आज के मॉडर्न प्रोडक्शन में, क्योंकि हम लोग सारा का सारा मैक्सिमम जो हमारा प्रोडक्शन है वो सिंथेसाइजर्स और जो भी सैम्पल बेस्ड प्रोडक्शन हो रहा है, और एंड ऑल दो सैम्पल्स आर परफेक्टली पिच्ड, परफेक्ट पिच्ड, परफेक्टली ट्यून्ड, उस तरीके से हम म्यूजिक बना रहे, तो उसके बीच में यू नो आपका जो वोकल का जो डेविएशन है उसकी जगह बहुत कम होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर 10 सेंट नीचे 10 सेंट ऊपर भी जाता हुआ ना कई बार बड़ा खटकने लगता है। सो इवन इफ यू आर अ रियली रियली फैंटास्टिक सिंगर, आपको थोड़ा सा टचअप वो वोकल्स को करना ही पड़ता है किसी के उसमें भी। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, या दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड या आप इसको क्रिएटिवली और बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मेलोडाइन का दूसरा आपके पास में आर्टिस्ट वर्जन होता है या उसके ऊपर के वर्जन होते हैं तो और भी बहुत सारे टूल्स उसमें खुल जाते हैं। लाइक जैसे आप राइट क्लिक करते हो यहाँ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, ऐसा ये हाथ और ये सारी चीज़ें आ रही, यहाँ पे आपको पिच का ये जो कर्व आ रहा है उसको भी यू नो उसका ऊपर कैसे जा रहा है, नीचे कैसे आ रहा है, या कर्व को छोटा बड़ा करने वाला, वो सारे ऑप्शन, सारी चीज़ें ऐसी आ जाती। इन द नियर फ्यूचर हम लोग डेफिनेटली जो मेलोडाइन का जो नेक्स्ट जो प्रो वर्जन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है विल डेफिनेटली चेक दैट आउट। बट मैं पर्सनली इसको काफ़ी टाइम से ट्राई आउट कर रहा हूँ, इवन बिफोर लाइक इफ आई वॉन्टेड टू मेक दिस ट्यूटोरियल, तो मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन कि एलिमेंट्स में क्या क्या पॉसिबल है नॉट।
And I am like extremely satisfied with what you can achieve. And मेरे को लगता है कि आप अगर थोड़ा सा ये जो छोटे जो आपको normal सा जो ये tool मिल रहा है इसके साथ में आप थोड़ा सा practice कर लोगे it will be much better off. क्योंकि बहुत ज़्यादा features भी आ जाता है किसी चीज़ के अंदर तो आपका दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है कि यहाँ क्या क्या बटन है किसको किधर इस्तेमाल करें. So features कम है but जो essential चीज़ें हैं वो essential Melodyne essentials के अंदर में आपको मिल जाती हैं. So you can download it and start using it and let me know in the comments है ना आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है और क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं सारी चीज़ें आप कौन सा डॉ इस्तेमाल करते हो अगला कौन सा टॉपिक आप देखना चाहोगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जो वोकल प्रोडक्शन वाला एक पूरा का पूरा हमने सीरीज़ किया ना स्टॉक प्लगइन से वेव्स का प्लगइन से आइसोटोप का प्लगइन से फैब फिल्टर का प्लगइन से ऑल एंड ऑल तो अगर आपने वो नहीं देखा तो डेफिनेटली चेक दैट आउट. बहुत ज़रूरी है वो आपके लिए सारा अलग अलग बहुत सारा माइंडसेट पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि क्या व्हाट गोज इन आप क्या सोच रहे हो क्या सही सोच रहे हो क्या गलत सोच रहे हो एवरीथिंग गेट्स क्लियर. इसलिए इतना उस सीरीज में इतने सारे अलग अलग ऑप्शन से हमने सारी चीज़ों को करी है और भी बहुत सारे प्लगइन्स और चीज़ें बचती हैं उसको आने वाले टाइम में हम कवर कर लेंगे. मैं इसके बाद आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग अ सिंथेसिस वाला यू नो सीरीज कि बेसिक सिंथेसिस आप कैसे करते हो साउंड कैसे आप बनाते हो ये साउंड वो साउंड अलग अलग सिंथेसाइजर्स को जो भी VSTIs है उनको ट्वीक करके एंड ऑल लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक. ऑल्सो इफ यू आर समवन जिसके मैंने बहुत सारे सवाल होते हैं आपके पास में यूट्यूब के कमेंट्स में देयर इज लाइक एक छोटी सी स्पेस है मतलब आप कितना पूछ सकते हो और मैं कितना जवाब दे सकता हूँ. बट इफ यू आर लाइक रियली रियली सीरियस अबाउट योर म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग ये जो सॉन्ग राइटिंग वाला गेम को अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये जो studio6productions.in/academy वाला जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इधर वीडियो में भी फ्लैश होता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली चेक दैट आउट. वहां पे एक वीडियो है जो एक्सप्लेन कर देगा कि क्या हो रहा है कोर्स में और आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए. और अगला जो बैच है वो 3 February से शुरू हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं एंड देर आर जस्ट सीट्स भी बहुत लिमिटेड होती है तो डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हरिया है ना एंड यू जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई विल गेट बैक टू यू. थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो कर दिया ना शेयर. Anyways, and I will see you in the next video. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार.